वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। माय नेम इज आकाश शर्मा एंड आई एम अ रिसर्च स्टूडेंट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न। ये सुशांत है मेरा दोस्त, बहुत सारी वीडियोस में देखा आपने इसको। आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव नहीं है, आज की वीडियो है ऑस्ट्रेलिया के किस्से। मतलब हमारे साथ बहुत फनी इंसिडेंट्स हुए हैं पिछले 7 महीनों में, और हम ऐसे जो बता नहीं सकते, कुछ तो ऐसे इलीगल इंसिडेंट्स हुए हैं कि हम अगर यहाँ पे यूट्यूब पे बता दे तो ये हमें पहले डिपोर्ट करेंगे, उसके बाद इंडिया हमें जेल करेगा अलग से। तो वो जो किस्से है उनको छोड़ते हैं बाहर, इलीगल किस्से अलग से किसी दिन यूट्यूब पे बताएंगे, पर वो बाद में बताएंगे। फिलहाल के लिए आज हम आपको बताएंगे अपनी लाली लाली, मतलब ई बाइक, ऐसी लाली। ये थी हमारे पास, हमने ये रेंट आउट की हुई थी फूड डिलीवरी करने के लिए, मतलब सुशांत ने रेंट आउट करी हुई थी, दोनों यूज कर रहे थे। एंड मतलब इसकी फुल टाइम जॉब थी, मेरे पास ऑलरेडी जॉब थी, मैं कभी कभी वो ले लेता था ऐसे डिलीवरी करने के लिए, बेसिक ये था स्ट्रक्चर उसका। तो इसके पास बहुत सारे किस्से हैं, आज टोटल हम आपको 3 किस्से सुनाएंगे, उसमें से जो दूसरा किस्सा है वो मेरा फेवरेट किस्सा है, तीसरा किस्सा भी इंटरेस्टिंग है। तो पहला किस्सा था हमारा मोटरवे वाला, तो 3 किस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला किस्सा हमारा मोटरवे का, दूसरा किस्सा हमारा चाइनीज लेडी, तीसरा किस्सा हमारा बूस्ट। आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन दे दिया, अब हम शुरू करते हैं मोटरवे वाला। तो मोटरवे वाला मैं स्टार्ट करता हूँ। भाई आप ये बताओ कि आप जब आपने वो ई बाइक तो वो आप कैसे चला रहे थे और कहाँ कहाँ चलाना अलाउड होता है? जो ई बाइक होती है उसको मेनली फुटपाथ पे चलाना होता है। हाँ ओके, क्योंकि ट्रैफिक में यार वो बहुत स्लो चलती है, और मतलब नहीं होता, आगे पीछे कार रहती है, बहुत जोर से जाती है कार, फिर पूरी बाइक हिल जाती है। इसलिए हम पेडेस्ट्रियन पे चलाना उसको प्रेफरेबली पेडेस्ट्रियन पे चला। इसने क्या किया, नई नई ई बाइक आई हमारे पास, ये भाई चला गया ई बाइक लेके, रात को डिलीवरी कर रहा है 8:30 बजे, 8:30 की बात है, और ये बात है अगस्त की, अगस्त एंड की, एकदम ठंड थी यहाँ पे, और भाई पूरा तैयार हो जाता था डिलीवरी करने के, एकदम स्वेटर टोपी ग्लव्स, और उसके ऊपर से वो जैकेट, क्या कहते हैं, हाईलाइटर वाली जैकेट। भाई चला गया डिलीवरी करने के लिए वहां पे, अभी हम जहाँ पे रहते हैं ना उसके थोड़ी दूर M2 है, मोटरवे 2। अब हम मंडी को कनेक्ट करता है बहुत बड़ा, जो पूरा कनेक्ट करता है, मतलब 2 स्टेट्स को कनेक्ट करता है, और मोटरवे आप लगा लो जैसे इंडिया में एक्सप्रेस वे नहीं होते जहाँ पे बाइक अलाउड नहीं होती, बाइक अलाउड नहीं होती। हमारा बंदा वहां ही बाइक लेके घुस गया, साइकिल लेके मोटरवे पे, जब वहां पे दिख रहा है ऊपर 100 स्पीड लिमिट, भाई मैं जा रहा हूँ आगे, मेरे को पता नहीं, मैं टर्न लेने मेरे को ढूंढ रहा हूँ कि बाहर कैसे निकलते, भाई उतने में पीछे से पुलिस आ गई, भाई मैं जा रहा हूँ टक 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 टक, पीछे वो बोल रही व्हाट द हेल आर यू डूइंग, मैं बोला ओह आई गॉट योर बाय मिस्टेक, आई वाज जस्ट लुकिंग फॉर वे आउट, बोल रही जस्ट टर्न अराउंड, यू स्टूपिड, मैं बोला हाउ वुड आई गेट आउट, हाउ शुड आई गेट आउट, वो बोली जस्ट टर्न अराउंड, बोला भेज भाई मैं चालू, वो पूरा एक्सप्रेस वे का लेन जा रहा है एक डायरेक्शन में, और मैं उल्टा होके कोने से जा रहा हूँ साइकिल लेके, पूरा भाई सब जा रही है गाड़ियाँ। अगर आपको आइडिया नहीं है तो जो वो ई बाइक होती है ना उसकी मैक्सिमम स्पीड 25 किलोमीटर है, ठीक है, और वो 25 पे चलती नहीं है, 18-20 पे चलती है वो, और ये भाई हमारा एक्सप्रेस वे पे 100 की मिनिमम लिमिट होती है एक्सप्रेस वे पे, मतलब वो पूरा साइड में शेड्स लगाए एक्सप्रेस वे की, वो गोली की तरह गाड़ियां निकलेंगी, भाई हमारा वहां पे ई बाइक नहीं घुसा है। पता नहीं यार, गूगल मैप्स में बताया यार, मैप्स बोला कि घुस जा, ऐसे भी घुस गया भाई साहब, भाई उस दिन इतना कटता ना मेरा, अगर पुलिस, अगर वो दूसरा कोई टोलवे होता जहाँ पे गाड़ी रुका सकते हैं, हाँ। उस वो मेरे को रुका लेती, मस्त मस्त 500-600 काट लेती मेरा, 500-600 जितनी की स्पीडी थी पूरा निकालती हूँ, बच गया मेरा, मैं दूसरा तीसरा दिन नहीं था मेरा, मेरे को पता नहीं था भाई कैसे चला। हाँ ये भी चलो, ये हमारा पहला किस्सा हो गया भाई। दूसरा किस्सा है हमारा लाली वापस करने का, पहले बात हमने स्कूटी का नाम लाली रखा होता, उसका ई बाइक का नाम लाली रखा होता, लाल कलर की थी गाइस, सो मैं देखते ही उसको मन में नाम आ गया लाली, फिर उसके बाद हमने उसको कभी ई बाइक बोला नहीं, उसको लाली ही बोला साली को, जो दूसरी काली की, काली भी हो लीली हो कोई जो भी है वो लाली बोलते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि हमने ना वो वापस करनी थी, और वो इंसिडेंट था मेरा, मतलब उससे पहले एक बार क्या हुआ था कि वो खराब हो गई थी, ये ठीक करवाने गया था उससे, तो ये जाना नहीं था इसको वहां पे, इसने बोला कि भाई तू मेरी जगह चला जा, तू सुशांत बन के वापिस कर आइए, मतलब जो ओनर था हमने रेंट की हुई थी, वो उसका थोड़ा वो टायर टेढ़ा हो गया था, उसका थोड़ा टायर एक्सल वगैरह टेढ़ा था उसका, तो वो साली पड़ी पड़ी गिर गई थी वो एक बार, और इसने वो ठीक करवाई थी, हमें लगा था कि वो बॉन्ड से पैसे काट लेगा, ठीक है। हम गए, पर क्या हुआ था उससे पहले हमारे पास हो गई थी एक प्रॉब्लम, हमें वो वापस क्यों करनी थी, क्योंकि उसकी चाबी गुम गई थी भाई, उसकी चाबी गुम हो चुकी थी। नहीं यार पहले नहीं गुम गई थी उसकी चाबी,
मतलब करनी थी उस दिन, रिटर्न करनी थी और रिटर्न करने के दिन चाबी गुम गई थी। हमें वो करनी थी रिटर्न और उस दिन उसकी चाबी गुम हो गई। अब भाई चाबी गुम हुई तो फटका तो लगेगा अपने को, पूरा घर ढूंढ रहे सब भाई, उल्टा पुल्टा सब घर खोद दिया भाई कॉर्नर से कॉर्नर, मैंने अपना ऑफिस तक खोद दिया भाई, मिला ही नहीं वो चाबी साली, मिली नहीं वो, पता नहीं क्या ही हुआ चाबी को, अभी तक नहीं मिली वो साला। भाई हमने क्या किया, हमने पहले तो यहाँ से घसीट के लेकर गए उसको वो वहां तक साला, चार किलोमीटर पैदल, वो इतनी भारी इतनी बैटरी, ऊपर से गर्मी साली, धूप दोपहर को 2 बजे भाई, कुत्ते की हाथ, कुत्ते जैसी हालत होगी भाई, बड़ी मुश्किल बचे उसके वहां पे गए। मेरे को फिर भी दिखाना नहीं था मेरा मुंह, मेरे को पता था वो मेरा मुंह देख के बोलता ही है, क्योंकि पिछली बार वो बोला था कि इसका टायर टेढ़ा है, मेरे को चलाने को चल, मैं बोला ठीक है चलता है कोई प्रॉब्लम, मेरे को लगा वो काटेगा ही, फिर इसको भेजा मैंने कि जा, इसने मेरे को भेजा तू जा, तू जा उसको बताने कि ऐसे साइकिल है। मैं उसके पास गया तो वो बेसिकली, अब थोड़ा रेसिस्ट नहीं जा रहे हो पर आपको पहले बता रहे हैं कि वो चाइनीज है, ठीक है। तो वहां पे चाइनीज औरत बैठी थी, हस्बैंड वाइफ है जो, वो पूरा ई बाइक का बिजनेस चलाते हैं, एक ही है पूरे मेलबर्न में, एक ही सबसे बड़ा है, एक ही है वो सबसे बड़ा, क्योंकि कैसे नाम है उनका, लाइगन स्ट्रीट पे है, अच्छे अच्छे आदमी है। तो उन्होंने ना, वो बंदा जो है वो मेन मैकेनिक है और उसकी बीवी पूरा संभालती है, रेंट किसने किया, रेंट कब टाइम पे दे रहे हो, और उनकी इंग्लिश थोड़ी ऐसी है, डाइसी है, मतलब नो बोन नो मनी, नो बोन नो साइकिल नो पेंट, कुछ भी मतलब कुछ भी बोलती है वो, उसका मैसेज कन्वे होता बस, दैट्स इट। तो मैं गया उसके पास देने के लिए, अब वो बोलते कि मैं $150 काटूंगी, अभी बॉन्ड थी $200, उसने बोला मैं $150 काटूंगी सिर्फ एक साली चाबी का, $50 बचता है यार, $50 बचता भाई, उतनी कमाई नहीं हुई साला उससे जितना उसको रेंट दे देना हमने बॉन्ड कटवा ली थी। तो मैंने वहां पे लगाया दिमाग, मैंने देखा कि उसका जो फोन का वॉलपेपर है वो है कुत्ते का भाई, मैं फिर अपना चाणक्य मैं लगाया अपना खतरनाक दिमाग, मैंने बोला एक्चुअली आई हैव अ डॉग, माय डॉग टुक दी की एंड ही लेफ्ट इट समवेयर, भाई उसका मुंह पिघल गया भाई, वो बोल रही हो दैट्स अ नॉटी डॉग, दैट्स वेरी नॉटी डॉग, वेरी नॉटी डॉग, माय गॉड, ओह माय गॉड। फिर वो अपने कुत्ते के बारे में बताने लग पड़ी भाई, उसकी 15 मिनट पहले कुत्ते की बकवास सुनी मैंने, फिर मैंने बोला या आई कैन अंडरस्टैंड, मैंने 2-3 उसको मस्त झूठ बोला उसको मैंने, मतलब कम से कम ज्यादा नहीं तो उस आधे घंटे में मैंने जितना झूठ बोला ना अपनी पूरी जिंदगी का झूठ एक तरफ, उस आधे घंटे का झूठ एक तरफ, $150 कम नहीं होता भाई, बहुत है सारी कमाई बहुत है, ठीक है। मैंने बोला उसको झूठ, और फिर ना उस बंद वो मैकेनिक देख रहा था कि हम बात कर रहे हैं, खाली थी दुकान, शाम को गए थे, मैं गया था शाम को 5:30-6 बजे के आसपास, वो मैकेनिक मेरे मुंह की तरफ देख रहा है, मैंने बोला एक्चुअली यू नो यू कैन अंडरस्टैंड वी आर स्टूडेंट्स हियर, वो थी ओके आई रिटर्न यू फुल 200 नहीं वो पहले 100 बोली, पहले 100 रिटर्न कर बोली, पहले वो 100 बोल रही थी, फिर ऊपर से दे दिया था पूरा 200 वापस कर दिया था उसने कुत्ते की बात पे। भाई अपने हमारे पास कुत्ते का नाम निशान नहीं है भाई, डॉग इज द बिगेस्ट विंगमैन, आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो डॉग को भाई, यहाँ पे कुत्तों के लोग अपने अपने बच्चों से ज्यादा कुत्तों से प्यार करते हैं, तो जहाँ पे झूठ नहीं आता ना वहाँ पे कुत्ते का झूठ डाल दो बोल देने का। भाई वो कुत्ते ने अपने को $150 बचा दिए वैसे, ट्रस्ट में ब्रो, अगर वो साला कुत्ता नहीं होता ना, कुत्ते वाला झूठ नहीं बोलता ना मैं, तो गए थे वो $150 कुछ नहीं आता वापस, कुछ नहीं आता वो गया था पूरा, क्या होता है 50 से क्या होता है, 50 से क्या होता है साला, 2 घंटे 50 बन जाते हैं। एनीवेज अब तीसरा किस्सा हमारा डिलीवरी का बूस्ट भाई तू बताइए। तो भाई मेरे को एक ऑर्डर आया बूस्ट नाम का, यहाँ पे एक जूस का आउटलेट है, बार टाइप, हाँ बार नहीं मतलब कियोस्क टाइप है, छोटा कियोस्क है, हाँ हर गली में हर मॉल में होता है वो छोटा छोटा, बट बहुत पीते चाइनीज लोग, बहुत पीते हैं ये बूस्ट वगैरह बहुत पीते हैं भाई। अभी आप ड्रिंक्स घर पे ऑर्डर करते हो क्या, मतलब मुझको पता नहीं अपने इंडियंस लोग करते हैं कि नहीं भाई, यार मैंने तो नहीं कभी नहीं की भाई, कभी नहीं ड्रिंक्स ऑर्डर की घर पे, की होगी फिर ग्लास की बॉटल की कुछ होगी वही, बट यार थी भाई 6 ड्रिंक्स थी ऊबर के बैग में, 6 ड्रिंक्स मेरे को ऐसी दे दी उसने, पकड़ा दी भाई की कर देगी डिलीवर, मैं बोला ओके। तो वो था यूनियन स्क्वायर से, अपना यूनियन स्क्वायर का बूस्ट था, पापी स्क्वायर का, वहां से उठा के मेरे को जाना था टॉन्सबरी, मतलब कोई कितने 4 किलोमीटर है वो, 4-5 किलोमीटर 5 किलोमीटर है ओके। अपना अपने को फुल ट्रस्ट अपने लाली, फुल ट्रस्ट लाली नहीं थे, स्कूटी थी तब मेरे पास, स्कूटी फुल ट्रस्ट भाई की कुछ नहीं होगा इसको, मैंने उठाया और रख दिया भाई पीछे डब्बे में रख दिया, मस्त जा रहा हूँ मेरा मस्त एकदम, कोई टेंशन नहीं फुल भाई। मैं वहां पे पहुंचा, बहुत बड़ा बंगला था भाई, बहुत बहुत खतरनाक काम करता हूँ, मैं गया उधर
मैंने निकाला बूस्ट, मैं उसको फोन करने वाला था पहले क्योंकि मेरे को दिख रहा नहीं था कुछ 99 नंबर का घर था और वहाँ पे बस 96 97 98 ऐसा ही था बट मेरे को दिख गया था बाजू में था वो घर। फिर मैंने देखा कि साला ये घर है, मैं बोला नहीं कॉल नहीं करते, मैं पहले निकाला हूँ, मैंने ऐसे थैली निकाली पूरा बूस्ट, बूस्ट का बस्ट हो गया था पूरा, सा ड्रिप कर रहा है भाई नीचे मेरा पूरा बक्सा अंदर इतना इतना मतलब ये हो गया था गटर जैसा और इतना गंदा स्मेल कर रहा था भाई। वो क्यों पीते भाई वो क्यों पीते भाई ये लोग, वो छह ड्रिंक ऐसे मिक्स हो गए, छह ड्रिंक ऐसे क्रम्बल हो गई थी भाई। मैं को कुछ नहीं सोचा भाई क्या करूं भाई, अभी देख डिलीवरी थी $14 की और बूस्ट का वो ऑर्डर था पचास समथिंग डॉलर का, तो ब्रेक इवन भी नहीं हो रहा यार। फिर मैंने उठाया भाई, मैंने लगाया मेरा दिमाग, मैं रखा उसको रोड पे, मैंने सीधी कर दी और सब मस्त एकदम पैक कर दिया। मैं हर ड्रिंक आधी आधी हो गई हर ड्रिंक मतलब, और वो जो बैग था ना वो भी ड्रिप कर रहा था, मैंने सुन क्या ना नीचे गिर रहा था वो सब। मैंने भाई मैं बोला नहीं यार कुछ नहीं, मैंने उसको फोन भी नहीं लगाया, मैंने उठाया वो सीधा रख दिया, फोटो लेके भाग गया भाई भाग गया। फिर मेरे को आई दूसरी KFC वाले ऑर्डर, मैं KFC के पार्किंग लॉट में घुस गया, वो उसको बोला कि मैं आई बी वेलकमिंग बैक, मैंने पूरा बक्सा निकाल के वो सब गटर नीचे डाला, सब साफ किया, मेरे CV पड़े थे बैग में, मैंने CV से साफ किया सब और फिर अगला ऑर्डर लिया भाई। एक मेरे साथ भी किस्सा हो रहा था, मेरे साथ था हंग्री जैक्स का, बर्गर किंग यहाँ पे हंग्री जैक्स है, तो मैंने हंग्री जैक्स का ऑर्डर उठाया और मैंने अपने उसमें डाला। अभी उसमें हंग्री जैक्स के ऑर्डर में क्या होता है कि ये ना एक ट्रे होती है इनके पास, एक उस ट्रे में ये ड्रिंक्स डाल देते हैं, तो मान लो कॉफी वगैरह ये है। सुबह सुबह कर रहा था मैं कोई 7-8 बजे, पता नहीं क्या ही खुद ली सुबह 7-8 बजे डिलीवरी करेंगे, मैंने की भाई मैंने उठाया, बर्गर बुर्गर थे उसके अंदर, तो उसने एक तरफ सारी ड्रिंक्स रखी एक तरफ, और कार्डबोर्ड का जो बैग नहीं था वो जो खादी का बैग आता वो वाला जो पेपर बैग होता है ब्राउन कलर का, उसमें उसने पैक करके वो दे दिया मेरे को। अब वो डिलीवरी कोई थी $6-7 की थी, वो ज्यादा दूर की थी, पास की थी, ये हंग्री जैक्स और ये मैकडॉनल्ड्स की बहुत छोटी डिलीवरी जाती है। तो मैं उठाया और मैं चला गया डिलीवरी करने वाली। भाई मैं चला रहा हूँ मस्त शू 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 करता हुआ, मैं स्पीड ब्रेकर भी उड़ाता हुआ लेकर जा रहा हूँ क्योंकि सुबह कौन ही है चेक करने वाला। भाई मैं वहां गया, मैंने निकाला वो, तो वो ऑर्डर एक तरफ से गल गया था पूरा वो भाई वो पूरा कॉफी वो फैंटा फुंटा सब मिक्स हो गया इस तरफ, ऐसे खिल गया। मैंने कुछ नहीं किया, मैं ऐसे करके उठाया वो ऑर्डर भी नहीं किया, ऐसे करके मैंने ऐसे करके उठाया उसको, मैंने उल्टा करके रखा तो एक तरफ से ठीक था, उल्टा करके रखा, फोटो खींची, डिलीवरी वो दरवाजा खुला, मैंने गोली की तरह भगा दी स्कूटी भाग गया। उनको कंपनसेशन मिलता है, उनको उनको मिल जाता है पैसा वापस, बट अगर हम पकड़े गए होते ना तो हमको पैसा देना पड़ता है, हमको पैसा, बट उनको कंपनी दे देती है पैसा, उनको कंपनसेशन मिल जाता है, अपने को भी डिलीवरी के पैसे मिल जाते हैं। सो भाग जाना, भाग जाना, अच्छा नहीं सिखा रहे अपन, बट यार क्या ही कर रहे, स्टूडेंट है यार, स्टूडेंट है भाई, स्टूडेंट को सब अलाउड होता है, स्टूडेंट साला हम भाई अपन ना एक्सरसाइज वाले पूरी की पूरी कंटेनर यहाँ से 2 किलोमीटर उठा के सिर के ऊपर लेकर आए हैं यार। हां ना यार, सो यही थे ऑस्ट्रेलिया की 3 मेजर किस्से। अगर आपको ये ऑस्ट्रेलिया के किस्से ये थे ई-बाइक्स के साथ, ई-बाइक्स के साथ इससे खतरनाक किस्से हमारे पास ऐसे है ना, मतलब ये level 1 के किस्से हमारे पास level 20-20 के किस्से है। सो अगर आपको अच्छा लगा तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम ग्रुप भी है मेरा, वो ज्वाइन कर लो। अच्छा है, एक सीरीज है ये, पार्ट 1 हुआ है अभी, पार्ट 1 हुआ है, अगर इसके ऊपर अच्छा रिएक्शन आता है तो पार्ट 2 भी बनाएंगे, अगर नहीं आता तो इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहेंगे, हमारा क्या चैनल अपना ही है, चलता रहेगा। तो एनीवेज गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब कर लो।